ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की थी, और ना ही ऐसा था कि मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी। और मैंने मिन्नतें बहुत की, बहुत समाजतें की, और बहुत दुआओं में मांगा उसे, तहज्जुद में उठ उठ के उसके लिए दुआएं की, उसे पाने की हर वो कोशिश की जो मैं कर सकता था, उसे सब वादे याद दिलाए, उसे सब कसमें याद दिलाई जो उसने मेरे साथ बैठकर खाई थी, उसे वो सब याद दिलाया जो वो बात बात पे मुझे कहा करती थी। और कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने उसके लिए ना किया हो, अपने दोस्त बदले, यार बदले, रिश्ते बदले, यहाँ तक कि अपने सोने जागने उठने बैठने खाने पीने के औकात तक बदल दिए। और तो और मैं क्या कर सकता था, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को भी बदल डाला, मैंने अपने आप को भी बदल दिया, और उसके लिए वो सब रिश्ते बदल दिए जहाँ से मोहब्बत शुरू होती थी। जब ये सब कुछ मैं बदल चुका, ये सब कुछ उसे बता चुका, तो मैं इतना बेबस और लाचार खुद को पा रहा था, मैंने उसे खुदा के खुदाई के वास्ते तक दिए कि यार रुक जा। लेकिन जब किसी ने जाना हो तो वो फिर कस्मों की लाज कहाँ रखता है, फिर वो वादों की पासदारी कहाँ करता है, फिर वो समाजतें कहाँ मानता है। जिसने जाना होता है वो चला जाता है। लेकिन मुझे आज भी वो वादा याद है जिसकी वजह से वो छोड़ कर गई। कहने लगी कि देखो अब मैंने 16 कर ली हैं, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। और ये बात उसे 10 साल बाद याद आई, जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका, उसे याद आया कि वो ज़्यादा पढ़ लिख गई है। और मेरे मुँह पर बैठ के मुझे कहने लगी कि अब तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं रहे, अब मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। जब 10 साल मोहब्बत रही, उसे ये बात कोई याद क्यों नहीं आई, उसे ये सब याद क्यों नहीं आया। जब उसे मैं चाहिए था, मेरी ज़रूरत थी, तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना उसे स्टैंडर्ड याद था, ना उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद उसे याद आया कि वो पढ़ लिख गई है। लेकिन मैं एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ।